पूर्वी दिल्ली थाना मयूर विहार इलाके के त्रिलोकपुरी में बहन का पीछा करने से नाराज भाई ने आरोपी की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर दिया है। मृतक की पहचान 19 वर्षीय नीरज के तौर पर हुई है। वह त्रिलोकपुरी का रहने वाला था और फरीदाबाद में रहकर वहां के एक जिम में काम करता था। हुआ क्या था पता बताइए। हुआ कुछ नहीं था, सही जैसे ही बात करनी पड़ती थी मीटिंग में, आपसे भी कोई बात हुई होगी तो ये हमें नहीं पता। बाकी हमारा लड़का गलत काम उनके काम करता है। कौन, क्या नाम है? लक्की नाम है जी, वैसे हम उसे लक्की नाम से जानते हैं। 20 ब्लॉक में वो रहता है, ठीक है। और हमें नहीं पता था कि क्या बात है, अच्छा खासा मिलता था जुलता था, किसी ने किसी के सिखाने में, किसी के कहने में। भाई तो चुप हो गया जी, भगाने वाले एक सोनू टेंट वाला रोहित अंडा दीपक टिट्टा इस नाम से जाने जाते हैं। मैं रोड पे गया तो आगे तक जा चुका था वो, तो मैंने उसी लड़के को देखा है कि वो भाग रहा था आगे से। क्या नाम है उसका? लक्की नाम है उसका, ब्लॉक में रहता है। मैंने पुलिस फोर्स को अभी गए थे हम, तो मैंने घर भी दिखाया है, उसके घर पे भी जाके गए हम, तो वो नहीं मिला। उसके मम्मी पापा थे तो कोई उधर कोई भी नहीं मिला, उसके मम्मी पापा दिखा लिए। अच्छा, तो हम आप पुष्टि कर सकते हैं चाकू से ही मारा है? उसने ही मारा है। नहीं, चाकू से ही गोदा गया? हाँ, चाकू से हुआ है। कितने बार किए होंगे लगभग? अब ये तो एक ही बार कराया उनने। किस जगह? ये गले पे। अच्छा। उसके काफी खून बह रहा था यहाँ पे भी। हम उसका मैं खुद लेकर गया था, मेरे हाथों में खून लग रहा है। मैं खुद लेकर गया था, उसका गला पकड़ के लेकर गया था मैं। तो आधे रास्ते में ही उसका उनने अपना दम तोड़ दिया था। अच्छा, मारने वाला अकेला ही था या उसके कुछ और साथी भी मौजूद थे मौके पे? ये तो मैंने उस टाइम नहीं देख पाया मैं वो, लेकिन जब भाग रहा था तो मैंने उसको अकेले ही देखा भागते हुए पूरा। आपको क्या लगता है इस हत्याकांड में अकेला ही वो शामिल था या और भी लोग हो सकते? और भी थे, और भी थे भगाने वाले, मैंने आपको नाम बताया था। हाँ, और भी थे उसके, लेकिन वो उस टाइम पे वो अकेला ही भाग रहा था और उसको मैंने भागते हुए देखा था, वो भी बार बार भागते भागते पीछे मुड़ के देख रहा था। क्या उसके ऊपर कोई पहले से भी आपराधिक मामले हैं लक्की के ऊपर? वो तो आप देखोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। इस टाइम मेरे को कोई भी जानकारी नहीं। इस प्रकार के कांड वो पहले भी कर चुका है? कर चुका है। हाँ, ये तो है, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा खुद। मर्डर किया है या हत्या किया, हत्या का प्रयास कोई ऐसा? ये तो छीना छपटी तो करता रहता है वो। हाँ, छीना छपटी और बाकी वो कुछ भी करता रहता है, चोरी चकारी करता रहता है। बाकी आप देखोगे, उसकी लिस्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा खुद ही। न्यूज चैनल सूरज की रोशनी के लिए रिजवान खान के साथ NM फरीदी की रिपोर्ट।